आज के वीडियो में बात करेंगे ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G जो डिवाइस है, इस डिवाइस के लिए इंडिया के अंदर एंड्रॉइड 13 और कस्टर्डिन का जो बीटा फॉर्म है वह पर लाइव कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आज एक वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आज या कल में आपको बीटा फॉर्म शो होगा, तो इस फॉर्म को किन्हें उसको अप्लाई करना चाहिए किन्हें उसको मिस करना चाहिए, आप फॉर्म तो अप्लाई कर लोगे फिर आपको अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में सारी डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G डिवाइस के एंड्रॉइड 13 और कस्टर्डिन बीटा फॉर्म के बारे में बात करें, उससे पहले आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर पर क्लिक करोगे, वहां पर आपको जो भी सिक्योरिटी पेज अपडेट देखने को मिल रहा है उसे आपको अपडेट कर लेना है, तभी आपके डिवाइस में कस्टर्डिन का बीटा फॉर्म शो होगा। अब यहां पर जो यूजर्स को अपना डिवाइस में इस फॉर्म को अप्लाई करना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक बीटा अपडेट है, इस सर्वर के साथ में आपको हीटिंग इशूज, नेटवर्क इशूज, बैटरी डाउन इशूज, लैगिंग इशूज, यहाँ पर तरह तरह के प्रॉब्लम और भी कई देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो आप इस अपडेट को अपडेट मत करिएगा, आप ऑफिशियल अपडेट का वेट कर लेना। अगर बात करते हैं कि जो अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करते हैं और टेस्ट के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर क्लिक करोगे, राइट ऑन सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे, वहां पर आपको ट्रायल वर्जन शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, तो वहां पर आपको बीटा शो हो जाएगा। उस पर आप टैप करोगे, एक फॉर्म शो होगा जहां पर आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से उस फॉर्म को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाएगा, फिर आपको अंडर रिव्यू में चले जाएगा। अंडर रिव्यू में जाने के बाद आपको अप्रूव्ड या फिर पास्ड होगा, जो कि यहाँ पर एक दो दिन के अंदर अंदर हो जाता है। उसके बाद आपको अपने डिवाइस में कस्टर्डिन का बीटा अपडेट देखने को मिलेगा, जिसकी साइज 5.5 GB के आसपास देखने को मिलेगी। और उस अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके डिवाइस की बैटरी 60% प्लस चार्ज होना चाहिए और डिवाइस का इंटरनल स्टोरेज 20 GB फ्री स्पेस रखना है, तभी आप अपने डिवाइस में उस अपडेट को इंस्टॉल करिएगा। तो यार इस छोटी वीडियो में यही था, अगर इच्छुक वीडियो को लाइक कर देना, अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलता हूं तब तक ले, बाय बाय, टेक केयर।